वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वर्सेस ओवर इनविंसिबल्स द 100 वुमेन मैच जो ही खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। सो मैच होने वाला है एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। अब देखो यहाँ पर आपको डिसेंट रन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें वुमेन्स मैच की तो यहाँ पर जो है 100 के 12 मुकाबले हुए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करते हुए 7 बार टीम जीती है और चेजिंग टीम 5 बार जीती है। और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो डिसेंट रहा है, 132 का यहाँ पर एवरेज रिकॉर्ड रहा है जो कि अच्छा है। अगर हम बात करें इस 100 में भी तो यहाँ पर 137, 113 और एक बार यहाँ पर 87 पे भी टीम ऑल आउट हुई हुई है। और इस वेन्यू पे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं, तो वुमेन्स मैच में स्पिनर्स डोमिनेट कर सकते हैं। और आप एक्सपेक्ट करिएगा जो भी टीम पहले बैटिंग करती है मुझे लगता है 125 से 130 तक का स्कोर खड़ा हो सकता है इस मुकाबले में। बात करते हैं हेड टू हेड की, तीन मैच हुए हैं, तीनों के तीनों जो है ओवल इनविंसिबल्स ने ही जीते हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफ़ी सारे हैं हमारे नाम के, रेगुलर वीडियोज आपके लिए आ रही हैं। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं दोनों टीम्स की। तो यहाँ पर मैनचेस्टर की तरफ से लोरा वुलवार्ट ओपन करेंगी बैथ मूनी के साथ, एमा लैम्ब है, फिर यहाँ पर एवलिन जॉन्स आ जाती हैं, कैथरीन ब्राइस है, फ्रीता मॉरिस आपको खेलती हुई नजर आ जाएंगी, सोफी एक्लेस्टोन है, यहाँ पर थ्रिकेल्ड है, फिर यहाँ पर किम गार्थ आ जाएगी, मोनाहेम है और यहाँ पर लॉरेन फिलर आपको खेलती हुई नजर आ जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें ओवल की तरफ से, ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से लॉरेन विलफील्ड ओपन करेंगी आटा पट्टू के साथ, एलिस कैफ्सी है, मैरिजान कैप है, स्कोफील्ड है, मैडी विलियर्स आपको खेलती हुई नजर आ जाएंगी, वेलिंगटन है, गार्डनर है, यहाँ पर मैकडोनल्ड है, सोफिया स्मॉल और रेचल स्टार आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। सो अगर आपके यहाँ विजन 11 ऐप नहीं है सो डाउनलोड कर लेना क्योंकि अब विजन 11 हो चुका है TDS फ्री। अब GST के साथ साथ TDS भी यूजर को नहीं देना है, वो पे करेगी विजन 11 ऐप। सो अगर आपके यहाँ विजन 11 ऐप नहीं है सो डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्चून रेफर कोड है FORTUNE, उसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, आपको रियल कैश भी मिल जाएगा। पहले बात करते हैं मैनचेस्टर की। सो मैनचेस्टर की तरफ से लोरा वुलवार्ट ओपन करेंगी बैथ मूनी के साथ। लोरा वुलवार्ट की बात करें, तीन मैच में यहाँ पर इस वेन्यू पे अच्छे नंबर हैं और हेड टू हेड में भी अच्छे नंबर हैं, रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक चल रही है, यहाँ पर 19, 78, 12, 37, तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है स्मॉल लीग में एज अ नॉर्मल प्लेयर। बैथ मूनी की बात करें, फॉर्म से थोड़ा संघर्ष कर रही हैं, एक मैच में 3 रन, 2 मैच में यहाँ पर 43 रन, बट स्टिल बड़ी खिलाड़ी है, तो एज अ नॉर्मल प्लेयर स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएंगी, वन डाउन आएंगी, MLM और जोन्स आ जाती हैं, फिर MLM आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक डिफरेंशियल खिलाड़ी साबित हो सकती है, सिलेक्शन कुछ इनका 5% है और ये खिलाड़ी लेकिन अच्छा है, अपने दिन पे अच्छा कर सकती है, तो इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगी। एवलिन जॉन्स ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है लेकिन इस हेड टू हेड में और इस वेन्यू पे बहुत अच्छे नंबर नहीं है, और अगर आप 10-1 में खेल रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा ऑलराउंडर्स या बॉलर पर फोकस करें, वो बेटर होगा, तो एवलिन जॉन्स को आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कैथरीन ब्राइस एक अच्छे विकल्प आपके लिए बन जाती है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, इवन दो हेड टू हेड में उतने अच्छे नंबर नहीं है लेकिन वेन्यू में 8 मैच में 9 विकेट है, 113 रन भी हैं, आपको बैटिंग करके देती हैं, बॉलिंग करके देती हैं, सो एज अ नॉर्मल प्लेयर आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाएंगी। फिर आ जाएंगी मॉरिस पिछले कुछ मैच में उतने विकेट्स नहीं निकाले हैं, 3 मैच में लेकिन 3 विकेट हैं, इस वेन्यू पे अच्छे नंबर हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, तो पिछले 3 मैच में 1 ही विकेट आया है, सो ऑप्शनल रहेगी, चाहे तो ट्राई की जा सकती हैं, बुरा विकल्प नहीं है, कंसीडर आप कर सकते हैं। सोफी एक्लेस्टोन मस्ट हैव रहेंगी लेकिन अभी तक इस सीजन में बहुत तगड़ी फॉर्म नहीं लगी है, 3 मैच में 3 विकेट 16 में 21 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, पिछले 3 मैच में 3 ही विकेट आए हैं, बट इंपॉर्टेंट हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इस मैच में, तो सोफी एक्लेस्टोन आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाती है कैप्टन वाइस कैप्टन की। टेकरल की बात करें तो मैं उतना रिकमेंड इनको नहीं करूंगा। फिर यहाँ पर आ जाती है किम गार्थ आपको डेथ में बॉलिंग करके दे सकती हैं, वेन्यू में 2 मैच में 0 विकेट है, इनकी भी फॉर्म ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए क्योंकि डेथ में बॉलिंग कर सकती हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मोनाहेम की बात करें, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था बट मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में आप चाहें तो फिर भी ट्राई कर सकते हैं।
लॉरेन फिलर काफी इंपॉर्टेंट है इस टीम के, आप सोफी एक्लिस्टोन के बाद मेन बॉलर कह सकते हैं फिलर को। लास्ट मैच में भी दो विकेट निकाले हैं, इस वेन्यू पे 3-2 हैं, हेड टू हेड में 1-1 है, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रही है तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए स्मॉल लीग में। कुछ खिलाड़ी हैं जो आपको बेंच पे दिख जाती हैं, खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं स्टार्टिंग ओवर की, तो फिलर और गार्थ आपको नजर आ जाएंगी, डेथ में आपको गार्थ, एक्लिस्टोन और मॉरिस का भी यूज होता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं ओवल इनविंसिबल्स की, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर, लॉरेन विनफील्ड ओपन करेंगी चमारी आटापट्टू के साथ। विनफील्ड आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है, फॉर्म अच्छी नहीं है इनकी, रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, 3 मैच में 30, इस वेन्यू पे भी अच्छे नंबर नहीं है, तो स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगी, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत अच्छी है तो ये ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना, इवन स्मॉल लीग में भी ट्राई की जा सकती है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी अगर मूनी है उनकी भी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पर ये विकेट कीपिंग भी कर रही है, तो ट्राई की जा सकती है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो चमारी आटापट्टू रिसेंटली जो मैच हुए हैं उसमें तो फॉर्म नहीं लगी है, बट इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग भी करके दे सकती है किसी भी मैच में आपको, तो आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग में इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, स्मॉल लीग में एज अ नॉर्मल प्लेयर ट्राई कर सकते हो और रिस्क लेना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। एलिस कैप्स इंपॉर्टेंट है, 3 मैच में 72 रन है, 1 मैच में 18 है, रिसेंटली अच्छा खेल रही हैं, स्टार्ट मिल रहा है, कन्वर्जन कम हो रहा है, बट एज अ नॉर्मल प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। मैरिजान कैप इस मैच की बेस्ट चॉइस बन जाती है कैप्टन की, लास्ट मैच में 47 और 4 विकेट निकाल के आ रही है इस वेन्यू पे और हेड टू हेड में भी अच्छे नंबर है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस बन जाएगी, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, बेस्ट चॉइस कैप्टन की रहने वाली है इस मैच में मैरिजान कैप। पेज स्कोफील्ड आ जाती हैं, खिलाड़ी अच्छी हैं, पहले ओपन कर रही थी लेकिन अब आटापट्टू आ गई है जिसकी वजह से इनका डाउन जो है नीचे हो गया, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की रहेगी। मैडी विलियर्स हैं, 2 मैच में 1 विकेट और वेन्यू पे भी 2 में 1 विकेट है, आपको 5 से 10-15 बोलिंग की बॉल करके देंगी और लोअर ऑर्डर में हिटिंग करके दे सकती है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, इवन स्मॉल लीग में भी कंसीडर करना चाहो तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई की जा सकती है। फिर यहाँ पर आएंगी अमेंडा वेलिंगटन, वेलिंगटन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक ये डिफरेंशियल वाइस कैप्टन भी बन सकती है, क्योंकि हर किसी की कैप्टन जो है कैप ही होगी, वही बेस्ट चॉइस है, लेकिन 2 मैच में 3 विकेट 4 में 3 विकेट विकेट्स निकाल रही है, अच्छी खिलाड़ी है, सोफी एक्लिस्टोन की भी बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है, तो अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो वेलिंगटन को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, जो गार्डनर को मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर यहाँ पर आ जाती है मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड अच्छा कर रही हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल के आ रही हैं, हेड टू हेड में भी अच्छे नंबर हैं, मोस्ट प्रोबेबली पूरे 20 बॉलें इन्हें मिलनी चाहिए, सो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई की जा सकती हैं। सोफिया स्टोन एक स्मॉल आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है, हेड टू हेड में 1 में 2 विकेट, वेन्यू पे 1 में 2 विकेट, पिछले 2 मैच में 3 विकेट निकाले हैं, सिलेक्शन काफ़ी कम होगा, ओवल के विन करने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, सो अगर पहले बॉलिंग आती है सो आप ओवल के फेवर में ज़्यादा खिलाड़ी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएंगी रेचल स्टार, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में अगर रिस्क लेना है तो फिर आप स्मॉल के साथ जा सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो कुछ खिलाड़ी हैं जो आपको दिख जाती हैं बेंच पे खेलती हैं तो ट्राई करते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो बेस्ट चॉइस रहेंगी मैरिजान कैप, एक्लिस्टोन है, आटापट्टू है, वेलिंगटन को भी आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। ग्रैंड लीग की बात करें सो बेथ मूनी कैप्सी या फिर वुलवार्ट, बट बेस्ट चॉइस जो मेरे हिसाब से रहेंगी वो यहाँ पर मैरिजान कैप और एक्लिस्टोन ही रहने वाली हैं, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। बात कर लेते हैं विनर प्रेडिक्शन की, दोनों टीम्स अच्छी हैं बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ओवल की टीम ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आ रही है, तो लगता है ये वाला मैच जो है ओवल इनविंसिबल्स विन कर सकती है, आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम, सेक्शन में 3 ऑप्शन आ जाते हैं, बेथ मूनी है, लॉरेन विनफील्ड है, तो मैंने यहाँ पर मूनी और विनफील्ड दोनों को अपनी टीम में रखा है, आप चाहें तो किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो मैंने सिर्फ वुलवार्ट को लिया है और किसी को नहीं लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलें तो सोफी एक्लिस्टोन को लिया है, मैरिजान कैप, कैप्सी, आटापट्टू और ब्राइस को हमने अपनी टीम में रखा है, आप चाहें तो एक विकेट कीपर को ड्रॉप करके मॉरिस या मैडी विलियर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग सेक्शन से हमने यहाँ पर लिया है वेलिंगटन को, मैकडोनल्ड को और फिलर को लिया है, आप चाहें तो स्मॉल या गार्थ को भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैंने इस मैच में कैप्टन किया है मैरिजान कैप को, वाइस कैप्टन किया है मैंने सोफी एक्लिस्टोन को, आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं, कैप्सी आटापट्टू को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं, अगर आप खेल रहे हैं 7-4 कॉम्बिनेशन में, तो 7-4 कॉम्बिनेशन की हमारी ये टीम बन जाती है। इसमें हमने तीन बैटर को ट्राई किया है, चार ऑलराउंडर लिए और तीन बॉलर लिए हैं, तो 7-4 की कॉम्बिनेशन की ये स्मॉल लीग की टीम बन जाती है। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की। टीम वन कॉम्बिनेशन ये रहेगा जिसमें हमने मैरिजान कैप को कैप्टन किया है, वेलिंगटन को वाइस कैप्टन किया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें तो यहाँ पर एक्लेस्टोन को कैप्टन किया है, मैरिजान कैप को वाइस कैप्टन किया हुआ है। एक और जो कॉम्बिनेशन आपके लिए ट्राई किया है उसमें हमने मैरिजान कैप को कैप्टन किया है और एलिस कैप्सी को हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है, सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।